हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो आज हम करेंगे जो दैनिक जागरण का एनालिसिस। और सबसे पहले मैं कल वाले क्वेश्चन का आपको आंसर देता हूँ। कल मैंने पूछा था वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन है, तो उसका उनका नाम है केशर नाथ त्रिपाठी। जिन बच्चों ने आंसर किया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो याद रखिए, केसरी नाथ त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए तो उसे सब्सक्राइब कर लें, तथा साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम लोग टारगेट 2018-19 के सभी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, जिसके अंदर ये सारे एग्जाम्स हैं, यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, सभी एग्जाम्स की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और ये लेक्चर जो डेली डाले जाते हैं आप देख सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं सर हमें इस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, आपको वो भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, आज है 6 सितंबर, तो लेक्चर बाय जीएस राय। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट जो डेली होता है, सो मेनी पीपल कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस बट ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर। अगर आप लोग सक्सेस हो गए तो सभी लोग आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हाँ यार, मैंने आपका यहाँ साथ दिया, मैंने आपका वहां साथ दिया, मैंने आपकी ये हेल्प की, मैंने आपकी वो हेल्प की। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो हर कोई कहेगा यार ये तेरी गलती है, तू पढ़ा नहीं, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तो सब आपको ब्लेम करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, सक्सेस को जल्दी से गले लगाइए और फिर सब लोग आपके साथ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस। और किसी को डाउट करिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। और जो आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, इंडोनेशिया की कैपिटल और इंडोनेशिया की करेंसी, प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, कल आपको फिर इसका मैं आंसर दे दूंगा। सबसे पहले जो न्यूज है वो है राष्ट्रपति भवन में प्लास्टिक की बोतलें बंद है। तो अगर प्लास्टिक की बोतलें बंद कर देगी तो फिर पानी किसमें जाएगा, अब वो कांच की बोतलें यूज कर रहे हैं। तो जो प्लास्टिक की बोतल का खर्च था वो था 153 रुपीज है कांच की बोतल का खर्चा। और जो पानी जो जो प्लास्टिक की बोतल जिसका खर्चा 120 रुपए, तो इससे इकोनॉमी को तो थोड़ा लॉस होगा लेकिन एनवायरमेंट जो अच्छे से कवर हो जाएगा। और 1600 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो अभी रामनाथ कोविंद जी को आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ और उन्होंने काफी चेंजेस कर दिए हैं, तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम कर रहा है उसको कहना भी चाहिए कि अच्छा काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है, जिम्मा यात्रियों की हिफाजत का और खुद है असुरक्षित। तो ये कालका रेलवे स्टेशन के पास का बैरक हाउस की फोटो, जहाँ पे आरपीएफ के जवान रहते हैं। चलिए आरपीएफ की नीचे फोटो कमेंट कीजिए। और ये कब बना था आरपीएफ, तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, फिर मैं कल आपको इसका आंसर दे दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे बैरक के अंदर यहाँ लोग रहते हैं, आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के जवान यहाँ रहते हैं, लेकिन ये रहने लायक नहीं है। ये काफी बार इनको कहा गया कि ये रहने लायक नहीं है, तो फिर भी यहाँ पर रखा जा रहा है। तो देख लीजिए हमारे देश का हाल। और दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर सीसीटीवी कैमराज और बहुत कुछ लगाने की बातें चल रही है, मतलब जवानों के रहने की जगह नहीं है और पता नहीं क्या कुछ करने चले हैं। नेक्स्ट ये न्यूज देख लीजिए कि जब किस्मत देने पे आ जाए तो पता नहीं क्या कुछ दे सकती है। किसी ने 200 रुपये उधार लेकर पंजाब लॉटरी बम्पर में से लॉटरी खरीदी से उसको 1.5 करोड़ का इनाम निकल गया। तो देख सकते हैं आप, किस्मत जब दे तो कुछ भी दे सकती है, तो मेहनत करते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज एनालिसिस में जो आज का एडिटोरियल है, सबसे पहले है भीड़ की हिंसा पर रोक। तो अभी हाल ही में बहुत सारे मामले आए हैं कि भीड़ जो है हिंसावादी हो जाती है, भीड़ खुद फैसला ले लेती है। यहाँ तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सारे बनाए, तो ये किस लिए बनाए कि ये फैसला कर सके, ये न्याय कर सके। लेकिन भीड़ खुद हिंसक हो जाती है, भीड़ खुद फैसला ले लेती है, उस पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए अच्छे से अच्छे कानून बनने चाहिए। तो राइटर इसी के बारे में बात कर रहा है कि हर बार ये भीड़ कहीं ना कहीं लोगों पर हावी हो जाती है और ये लोगों की भीड़ है किसी की जान ले लेती है या खुद ही फैसला कर लेती है। और उसके बाद जब मतलब इसकी सजा देने की बारी थी, किसी को मार दिया इस भीड़ ने इकट्ठे होकर, तो फिर सजा किसको दें, भीड़ में तो यार हजारों लोग थे, कई बार मिल भी नहीं पाते। तो इसलिए इनके लिए अच्छे सख्त से सख्त कानून होने चाहिए, राइटर इसी बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो इसमें प्रदीप सिंह जी क्या कह रहे हैं कि जो लोग यार समर्थ है, जिनके पास पावर है, तो वो लोग अपने लिए कोई भी कानून बना सकते हैं। अब इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है दो केसेस के बारे में, दो मामलों के बारे में बता रहे हैं प्रदीप सिंह जी। वो कह रहे हैं कि अगर आपके हाथ जो मतलब कि जज है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो न्यायवादी जज हैं, तो उन्होंने क्या किया, अभी एक वीआईपी लेन की मांग की है। जो हमारा टोल प्लाजा होता है, टोल प्लाजा पे लेन होती है, वहां पर उन्होंने एक वीआईपी लेन की मांग की है कि एक वीआईपी लेन होनी चाहिए। मांग क्या की उन्होंने, कहा कि एक वीआईपी लेन होनी चाहिए, क्यों, ताकि उनको वहां पे रुकना ना पड़े, उनका टाइम वेस्ट ना हो पहली बात, दूसरा उनको उनका कार्ड ना दिखाना पड़े कि हम लोग वीआईपी हैं या हम, वो इसमें अपनी क्या मतलब
बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, इंसल्ट महसूस करते हैं कि हमें अपना कार्ड दिखाना पड़ रहा है, यार इतने अच्छे ओहदे पे हो, आपको कार्ड दिखाने में क्या इंसल्ट है। वो कहते हैं हम इतने हायर ऑफिशियल हैं और हम एक छोटे से वो सिक्योरिटी वाला खड़ा था उसको हम कार दिखाएं, तो ये हमें पसंद नहीं है, आप वीआईपी पार्किंग बनवाइए हम वहां से जाएंगे। तो उनके, और ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले क्या क्या था, मंत्रियों के वीआईपी होने पे सवाल उठाए थे कि मंत्री वीआईपी में रहते हैं, मंत्रियों की गाड़ियों पे लाल बत्ती होती है, और बहुत सारे मतलब इन्होंने मंत्रियों के बारे में अभी बयान दिए थे और फैसले भी किए थे, और खुद ये वीआईपी ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हर कोई बंदा जो इस दुनिया में आ रहा है, जो खास करके भारत के अंदर आ रहा है, तो वो कह रहा है अगर मैं वीआईपी नहीं बना तो फिर मेरे यहाँ आने का फायदा ही क्या है, अगर मैंने नाम नहीं कमाया, वीआईपी का टैग लगा मेरे नाम के पीछे, तो फिर मेरा काम करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसके बारे में राइटर कह रहे हैं। और दूसरा केस है जो अभी 5 लोग पकड़े गए थे, जो 5 नक्सलवादी पकड़े गए थे, जिन पे क्या किया गया है कि चार्ज लगा के मोदी जी को मारने की बात की जा रही है। तो इन्होंने ये किया कि वो सरकार के साथ सहमत नहीं थे, उन्होंने सिर्फ असहमति जताई थी, लेकिन सरकार अभी पावर में है मोदी जी की, तो उन्होंने क्या कि उन पे चार्ज लगवा दिए कि हाँ उनको भी नजरबंद कर रखा है। तो ये गलत बात है कि जिसके पास पावर है वो दूसरे को क्या जीने नहीं देगा, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था, ये हमारी जो समानता का अधिकार है उसका हनन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राइटर इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आर्टिकल न्यूज एनालिसिस का आर्टिकल अगर एग्जाम में आए तो आप इसके बारे में लिख सकेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ सर थोड़ा और एक्सप्लेन किया कीजिए, तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कानून का इकबाल। तो अभी बिहार के अंदर कानून बहुत अच्छे से चल रहा है, बिहार के अंदर, बिहार एक 5वां स्टेट है जहाँ पे कानून अच्छे से लागू हो रहा है। इसके अंदर क्या किया गया, पहले क्या था, शराबबंदी नहीं की थी, पहले मतलब शाम होते ही शराब शुरू हो जाती थी, लोग शराब पीते थे, शराब पी के फिर लड़ाई दंगा फसाद, तो इकोनॉमी भी डाउन जा रही थी, घर में भी लड़ाई और बहुत बुरा हाल, लोग नशा करते थे, तो बिहार को बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन अब बिहार के अंदर क्या चेंजेस कर दिए हैं कि शराबबंदी पाबंद है, शराब बेचना ही, बेचने पे मतलब मना ही कर दिया है, शराब बेचने भी बंद कर दिया, तो पीना तो दूर की बात है। तो इससे क्या है, माहौल सुधर रहा है, कानून सुधर रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं कि हाँ सफाई का एहसास हो रहा है वहां पे, लोगों को घर में लड़ाई नहीं होती, लोगों के पैसे बच रहे हैं, तो नशे से बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर और भी काफी चेंजेस किए जा रहे हैं, जो पहले मामले 2,559 हुआ करते थे, अब 284 मामले रह गए हैं लड़ाई झगड़े के, हिंसा के, घरेलू हिंसा। क्यों? क्योंकि बिहार में जो अभी शराबबंदी होगी, तो अभी बिहार के अंदर और भी काफी कानून बन रहे हैं जो काफी अच्छे, तो बिहार इस टाइम तरक्की कर रहा है, तो अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि जो भारत के सभी स्टेट्स हैं वो तरक्की करें, सभी का नाम आए, सभी पे आर्टिकल आए, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है विषमता का पोषक अनुच्छेद 35A। तो ये कह रहे हैं कि जो जहर फैला रहा है वो 35A है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 35A। तो ये राइटर कह रहे हैं कि प्रोफेसर हरवंश दीक्षित जी, किसी को भी इस पर आश्चर्य हो सकता है कि आखिर एक देश में इतनी संवैधानिक विषमता क्यों है। तो ये बात कर रहे हैं कश्मीर के बारे में। हम लोग जब भी कोई सुनते हैं कश्मीर के बारे में, कोई बात आती है या फिर कश्मीर के बारे में कोई आर्टिकल डिस्कस करना होता है, तो हम लोग आर्टिकल 370 खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि असली जो जिम्मेवारी है वो 370 की नहीं है, असली गुनहगार 370 आर्टिकल नहीं है, 35A है। तो अब ये 35A है क्या चीज, इसके अंदर जो लोग कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के नागरिक हैं, मूलभूत कश्मीर के नागरिक हैं, सिर्फ वही जो वहां का जो है सरकार तय कर सकते हैं, वही सरकार के जो चुनाव में वोट दे सकते हैं। पहली बात ये, अब मतलब कोई बाहर से जाके कश्मीर में रहने लग गया, जैसे बीच में बताया गया कि पाकिस्तान से 5,674 परिवार आके रहने लगे 1947 में, लेकिन वो कश्मीर के मूलभूत नागरिक नहीं है, तो यार ये तो अन्याय है उनके साथ, वो 1947 में आ गए थे फिर भी वो कश्मीर के मूलभूत नागरिक नहीं है, मतलब वो सरकार को चयन नहीं कर सकते, सरकार का चुनाव में वो वोट नहीं डाल सकते, तो एक उनके साथ अन्याय हो गया। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि अगर वो सरकार मतलब अगर वो मूलभूत नागरिक है तो उनको ही सिर्फ सरकारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सरकार की जो सेवाएं हैं, सिर्फ उनको ही मिलेगी गवर्नमेंट स्कीम्स के फायदे, जो मूलभूत नागरिक है दूसरों को नहीं मिलेंगे। कोई बाहर से आके रह रहा है, कोई कश्मीर में शुरू से रह रहा है, तो उसको नहीं मिलेंगे, जो कश्मीर के नागरिक है सिर्फ उन्हीं को। और इन्होंने जो खुद अपनी डेफिनेशन बना रखी है कि खुद कश्मीर के मूलभूत नागरिक कौन से हैं, तो ये अभी जो कश्मीर का संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि कश्मीर के नागरिक कौन से हैं, तो ये चीजों की। और उसके सबसे बड़ी चीज इसमें क्या दी गई है, जो सबसे बड़ी इसमें खराबी बताई गई, राइटर ने कहा है कि इसमें लड़कियों को मतलब बाहर जाने का, अगर लड़की बाहर किसी और लड़के से शादी कर लेती है, अगर वो मतलब स्टडी करने के लिए दिल्ली गई हुई है, दिल्ली में उसे कोई लड़का पसंद आएगा, तो उस लड़के से शादी करना चाहती है, तो जो लड़की की जो नागरिकता है वो खत्म कर दी जाएगी कश्मीर की, और नागरिकता खत्म करने से जो उसका वहां पे जो संपत्ति पर अधिकार है वो खत्म कर दिया जाएगा, उसका प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं रह जाएगा, वो वहां पे वोट नहीं डाल सकते, वो वहां की जो सेवाएं हैं गवर्नमेंट सेवाएं हैं
गवर्नमेंट स्कीम्स है वो नहीं हायर कर सकती, उनको उनका जो फायदा नहीं उठा सकती। तो यार कितना अन्याय किया गया है लड़कियों के साथ भी, और लड़कों के साथ भी अन्याय तो ये कर रहे हैं। तो 35A आर्टिकल ये कह रहे हैं कि 35A को अमेंड करने की जरूरत है, मतलब कोई बाहर से आके कश्मीर में रहना चाहे तो उसको सरकार चुनने का हक हो, उसको सारी सुविधाएं मिले। तो यार हर कोई आके बाहर से रहना पड़ेगा, आके रहना पसंद करेगा। अब 370 में चलो ठीक है, इंडस्ट्री नहीं आने दे रहे, अभी वहां पे कोई जा ही नहीं सकता, वहां पे कोई रह ही नहीं सकता, तो ये तो गलत बात है। अब एक ही देश के अंदर इतना बुरा हाल है कि एक साइड तो हम कह रहे हैं कि समानता का अधिकार, कि हाँ राइट टू इक्वालिटी, हम सब लोग बराबर हैं, तो यहाँ पे बराबरी कहाँ है? मतलब जो लोग कश्मीर में रह रहे हैं उनके साथ भी अन्याय हो रहा है कि आधे तो कश्मीरी लोग हैं और बाकी लोग गैर कश्मीरी हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। चलिए ये तो इन्होंने कहा, ये तो इनका प्रपोजल है, देखते हैं अभी क्या करती है सरकारें, उन पर कुछ असर होता है इनके बात का या नहीं होता, और कभी इसके बारे में आ जाए यूपीएससी के अंदर या हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर। अभी राजस्थान आरएएस का एग्जाम भी हो रहा है मेंस का, तो उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज ये याद रखिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से करवाऊं और करवाऊं तो मैं आपको और अच्छे से करवाना शुरू कर दूंगा, आप कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपके लिए और मेटीरियल ऐड कर दिया करूंगा। और अगर आप लोग आंसर राइटिंग करना चाहते हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, सर हम आंसर कैसे लगे, आंसर को कैसे इनहांस करें कि हमारे आंसर में जो चीजें हम लोग 250 वर्ड्स में लिखना चाहते हैं, 200 वर्ड्स में लिखना चाहते हैं, वो कैसे लिखे, तो प्लीज नीचे कमेंट करें, मैं आपको फिर वो भी बता दूंगा कि आप 200 वर्ड्स में, जो 200 वर्ड्स में क्या यार, आप 150 वर्ड्स में पूरी बात बता सकते हैं अपनी, वो आपको पूरा उसकी टेक्निक बता दूंगा, बाकायदा आप कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स एकता, तो एक ही आत्मा है और एक ही परमात्मा है, और हमें एकाग्र होकर रहना चाहिए, हमें दूसरों के साथ ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और अगर हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा दिमाग मतलब कि किसी और चीज में उलझा नहीं रहेगा, और जब हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव कर लेंगे। तो इसी बारे में बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आ सकता है एसएससी के अंदर, कि अभी जो पहली तिमाही में जीडीपी का विकास दर क्या रहा, 8.2%। तो अभी ये कह रहे हैं चुनौतियों के बीच बेहतरी की झलक, तो अभी क्या है, अभी सरकार जो उठा रही है कि हाँ फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पहली तिमाही है, फर्स्ट थर्ड हाफ है किसका, वित्त वर्ष का, फाइनेंशियल ईयर का। चलिए नीचे कमेंट कीजिए, फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष कब से शुरू होता है, कब से कब तक मतलब वित्त वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं बताइए। और उसमें सरकार कह रही है कि हमने 8.2% जीडीपी विकास दर हासिल किया। अब एक तो ये बात है कि इसको कायम करना, इसको बरकरार रखना बहुत बड़ी चुनौती है, और दूसरा रुपया का जो मूल है, रुपया कम हो रहा है डॉलर के प्रति, और तेल जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसका असर भी होना बाकी है। जब इसका असर देखेगा तो ये जीडीपी अपने आप डाउन आ जाएगी, तो इसी बारे में राइटर कह रहे हैं, और सरकारें जो इस चीज को उठाने में लगी हुई है। चलिए ये तो ज्यादा हमारे काम का भी नहीं है, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली है। और नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, इंडोनेशिया में क्या है, इंडोनेशिया में पुरुषों में महिलाओं के साथ खाना खाने पर लगी पाबंदी। तो आप लोग देख लीजिए, आप इंडिया में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कभी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इंडोनेशिया के कानून देख लीजिए, वहां पे महिला और पुरुष बाहर जाकर किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते, वहां पे लड़का लड़की ऐसे नहीं घूम सकते, नहीं मिल सकते। और अगर कोई अकेली महिला है वो रात को 9 बजे के बाद, उसको किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिलेगा, वो अकेली महिला रात को 9 बजे के बाद बाहर ना निकले, और 11 बजे के बाद घूमना गैर कानूनी बताया गया है राजधानी के अंदर। तो देख लीजिए क्या बुरा हाल है। चलिए ये उनके कानून है, उन्होंने शायद किया होगा, कुछ सोच समझ कर किया होगा। चलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी, और इनका जो करेंसी क्या है, नीचे कमेंट कीजिए, फिर मैं कल आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट है जापान में जेबी तूफान, तो भी पूछा जा सकता है कि जेबी तूफान कहाँ पर आया, तो जापान के अंदर, या फिर पूछा जा सकता है कौन से शहर के अंदर आया, तो आप याद रखिए ओशाका शहर के अंदर, ओसाका शहर के अंदर ये आया, तो याद रखिए फ्रेंड्स। तो तूफान जेबी तूफान, इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, जेबी याद रखिए, जेबी तूफान जापान के अंदर है और ओसाका सिटी के अंदर, तो ये चीज थी इसके अंदर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जो हरियाणा पुलिस के लिए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए, एक्ससीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें क्या है, हिसार में मिले कंकाल 4000 साल पुराने द्रविड़ों से मेल खाते हैं डीएनए। तो अब जो जर्मन वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन से वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, जर्मन वैज्ञानिक, तो हिसार में कहाँ से, राखी गढ़ी में, जो याद रखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हरियाणा पुलिस के लिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए इसके बारे में पूछा जा सकता है। और ये कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स अब, यानी बाकी जब वो रिपोर्ट्स आएंगी, जब छपेंगी, तो फिर मैं वो डिस्कस कर लूंगा। चलिए फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जो एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर कोई आप इसमें चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट कर दिए, फिर मैं वो चेंजेस कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, और पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।